जब हमारी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और डल हो जाती है उसके लिए भी जबरदस्त ट्रीटमेंट है। सन टैनिंग के लिए भी जबरदस्त है। आप इसको फेशियल में, क्लीनिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट में, डे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको बताते हैं कि किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले एक विटामिन डी का कैप्सूल आपको लेना है। आपको पता है मेडिकल स्टोर से मिल जाएगा। आप 400 mg का कैप्सूल लें या 600 mg का, उसकी कोई टेंशन नहीं है। एक कैप्सूल आपने लेना है। अब नेक्स्ट हमने इसमें क्या क्या बनाना है बच्चों के साथ आपको देखना है। तो बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगी आपके लिए। उसके बाद हम इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल का मिलाएंगे। अगर आप फ्रेश एलोवेरा जेल के इस्तेमाल करेंगे तो वो भी आपकी 15 दिन तक चल जाएगी, और अगर आप रेडमेड एलोवेरा जेल के इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका 1-1.5 महीना सन के साथ आप इसको स्टोर कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड हम इसमें मिलाएंगे बादाम का तेल। आप बादाम का तेल इस्तेमाल करें क्योंकि ये ऑयली स्किन के लिए जबरदस्त है। आपके पास नहीं है तो आप जैतून का इस्तेमाल करें, नहीं तो आप इसमें बादाम का तेल से इस्तेमाल करेंगे। हर तरह की स्किन के लिए बहुत जबरदस्त होगा। आप अब नेक्स्ट हम इसमें मिलाएंगे गुलाब का रस यानी रोज वाटर। 1 चम्मच इसमें गुलाब का रस दूंगी। अगर आप इसको थोड़ा और पतला करना चाहते हैं तो आप इसमें 2 चम्मच गुलाब का रस भी मिला सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैं इसको थोड़ा जेल की शक्ल में रखूंगी, आपके सामने इसको बनाएंगे। और लास्ट में इसमें मिलाएंगे कंस्ट्रेंट, ये आपको मेडिकल स्टोर से मिल जाएगी बहुत आसानी के साथ। 1 चम्मच आपने इसमें कंस्ट्रेंट का मिला देना। जब तक मैं इसको मिला के अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ, जो ऐसे दोस्त हैं पहली दफा मेरी वीडियो को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि डेली यहाँ पे अपलोड होने की नई वीडियो का आपको मैसेज मिल सके और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जैसे आप इसको मिक्स करते जाएंगे ये चक्कर में आना चाहिए। आपकी स्किन पर अगर एक्ने का प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप इस सीरम को इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इसमें एलोवेरा जेल और रोज वाटर है, जिसकी वजह से आपकी स्किन पर जो पिंपल है वो भी खत्म हो जाएंगे। इसको बॉयज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। जैसे कि मैं वीडियो को स्टार्ट में बता चुकी हूँ कि हर तरह की स्किन करेगा, इससे आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। आपकी स्किन एकदम से स्पॉटलेस हो जाएगी और आप सिर्फ 3 नाइट के इस्तेमाल से, 3 दिन के इस्तेमाल से देखेंगे कि आपकी स्किन पर बहुत अच्छा सा ग्लो आएगा और बहुत अच्छी वाइटनिंग भी आएगी। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो उसे अपने फ्रेंड्स के साथ बात भी शेयर किया करें ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। आप वीडियो को लाइक करना मत भूलना करें। अब इसको बता देते हैं कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। आप इसको फ्रिज के बाहर भी, रूम टेम्परेचर पे भी 30 दिन तक आसानी से स्टोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है, आप डे में भी अगर इस्तेमाल करना चाहें तो इसी तरह से अपने चेहरे को धो के अपने चेहरे के ऊपर इसी तरह आपने इसको अप्लाई करना है। लेकिन इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी होती है, आपने इसकी अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई करके अच्छी तरह से 1 मिनट तक मसाज करना है कि हर दिन तक स्किन के अंदर जरूरत हो जाए। रोड वॉकिंग की वजह से आप बिल्कुल भी चिप बाहर महसूस नहीं करेगी, आपकी स्किन में अच्छी तरह से 1 मिनट के बाद ही जजब हो जाएगी और आपकी स्किन जितनी है ड्राइनेस है डालनेस है तमाम चीज़ खत्म हो जाएगी। तो आपकी स्किन के सबसे भी काली भी हो जाती है। इस सीरम के इस्तेमाल से आपको इसका फायदा मिलेगा और आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी। तो आपका सीरम बिल्कुल तैयार है, इसको आप आसानी के साथ स्टोर कर सकते हैं, बना सकते हैं। किसी भी स्किन के ऊपर ये इफेक्टिव है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जब तक मैं, हमारी वीडियो खत्म हो चुकी है, चलेंगे आज के लेसन की तरफ जिसमें आपको ये कहना चाहेंगे कि सलातुल तौबा के बारे में आपको बताएंगे कि बाज़ औक़ात हमसे कोई ऐसा गुनाह कज़द हो जाता है तो हम ऐसा सोचते हैं कि शायद उसकी माफ़ी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस शख्स से कोई गुनाह कज़द हो जाए फिर वो अच्छी तरह से वजू करे और उठकर 2 रकअत नमाज पढ़े और फिर अल्लाह से माफ़ी मांगे तो अल्लाह ताला इसे ज़रूर माफ़ कर देते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला सबको माफ़ कर देते हैं। हमें दिल से माफ़ी मांगनी चाहिए, दिल से तौबा करनी चाहिए, अपनी गलतियों की लाजमी अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला किसी को भी चाहे वो हमें गुनाह करने की तौफीक दे, हिम्मत नहीं दे, अपने ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे। तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए। इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुँचती हैं।